वैशाली टीले पर विराजमान है। अभी टीला तो नहीं है, सिर्फ कंकाली नाम है और यही कुंड बन गया है। इसकी गहराई से कई सारी मूर्तियां निकाली गई, प्राचीनतम जैन मूर्तियां निकाली गई हैं और वो सब म्यूजियम में विराजमान की गई हैं। प्राचीनतम जैन तीर्थ मथुरा रहा है, अनेक अनेक प्रसंग यहाँ से जुड़े हैं और श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, सप्त ऋषियों की यह आगमन भूमि है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का आचार्य पद का पहला चतुर्मास यहाँ हुआ। यहाँ का जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है, माने पूरे देश भर में, जैसे अगर विश्व की संस्कृतियों में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति सभ्यता मानी जाती है, वैसे जैनों के हिसाब से यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूर्तियाँ और आलेख और स्तूप वगैरह निकले हैं। यहाँ जैन स्तूप रहा है, जैनों में एक पंच स्तूप अन्वय है। पंच स्तूप अन्वय के ही थे आचार्य जिनसेन स्वामी, जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की। तो पंच स्तूप थे यहाँ पर, उसमें एक स्तूप ये था, चार और कहीं रहे होंगे। अब इस एक की भी खुदाई हुई तो बहुत सारी जैन मूर्तियाँ निकली, कुछ बुद्ध अवशेष निकले और अर्धफालक मत संप्रदाय के भी कुछ उल्लेख मिले। इस पर बड़ी गोष्ठियाँ हुई हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जैनों की उदासीनता तो गजब की है। इतना बड़ा मुनि संघ है लेकिन मथुरा के श्रावकों का पता नहीं। ऐसे ही जहाँ शिवलिंग निकलता है वहाँ शिव जी का मंदिर बन जाता है, जहाँ कोई चिन्ह मिलता है वहाँ मंदिर बन जाते हैं, बनना चाहिए। जैनों की इतनी सारी मूर्तियाँ निकली और वहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं छोड़ा है, खड्डा एक छोटा सा एक बाबड़ी टाइप का बना के छोड़ दिया। तो यहाँ जैनों को शासन प्रशासन से बात करके अपना कुछ ऐसा स्थापना करना चाहिए, जो प्राचीनतम जो संग्रहालय वहाँ 4 किलोमीटर दूर जो मूर्तियाँ ले गए हैं, एक कुछ यहाँ बना करके जो यहाँ से निकली हैं उसका यहीं पर बनाया जाए। तो जैनों की उदासीनता उनके इतिहास उनकी संस्कृति का नुकसान करने में बहुत बड़ा कारण है। समाज को जागृत होना चाहिए। किसी ज़माने में सेठ राजा लक्ष्मणदास हुआ करते थे, जिन्होंने महासभा की स्थापना की, जिन्होंने यहाँ जम्बू स्वामी का अजितनाथ भगवान का मंदिर बनवाया, 2 विशाल हिंदू मंदिर बनवाए। अब उतना वर्चस्व भले ना हो लेकिन फिर भी अपने तीर्थों की रक्षा सुरक्षा का प्रयास तो करना ही चाहिए। अतिक्रमण जारी है, आजू बाजू की बस्तियाँ यहाँ अंदर तक बन गए, घर बना लिए लोगों ने। तो वही जो हमारी कमेटियां हैं, सभाएं हैं, थोड़ा सा कुछ कार्य करें महान और प्राचीनतम जैन धर्म के पुरावशेषों का रक्षण संरक्षण भी जरूरी है। आज पूरा संघ यहाँ बैठा है, रास्ते में श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के भी वहाँ भी गए, क्योंकि वहाँ जो अभी निर्माण है उसमें ऐसे कोई चिन्ह नहीं है, वो तो सब 150 साल पुराने ही हैं, लेकिन मूल जो है उससे लगी हुई मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। अब देख लीजिए उस जन्मभूमि के लिए लोग कितना प्रयास कर रहे हैं और जैनों के ढेर सारे अवशेष निकलते हैं, वे कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, कहाँ ले गए, कहाँ रखे हैं, अब इसका कौन अधिकारी है कि इसका कोई कुछ मत छोटा मोटा कार्यक्रम बनाए। जागना होगा, जागेंगे तो जिएंगे, वरना लुप्त हो जाएंगे। विशेष रूप से यहाँ तक हम लोग 3 किलोमीटर चल करके सिर्फ कंकाली टीला देखने के लिए आए हैं। अब टीला की बजाय कुंड बन गया है, गड्ढा बन गया है, क्योंकि सारे अवशेष निकाल लिए गए। और संभव है कि अभी और जो ये ऊपर तरफ टीला टाइप से दिख रहा है यहाँ कुछ होंगे, अभी भी अवशेष हो सकते हैं। भगवान महावीर से ही प्रार्थना है कि जिन धर्म की भी उन्नति हो, वृद्धि हो, प्रभावना बने। जय बोलिए 24 दिसंबर। जयकारा गुरुदेव का।
होना चाहिए सारा जी, लाल मंदिर वाले आप भाई जो है क्या नाम से